अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा हाइलक्स सर्फ SSR-X 2000 मॉडल। ये टोयोटा सर्फ की थर्ड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 1995 से लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी 2002 तक आई थी। ये 2000 मॉडल है, यानी कि काफ़ी डिफाइंड वर्जन है सर्फ का, और इसको मैंने हाइलक्स सर्फ बोला है। इसके पीछे वजह है, ये गाड़ी बेसिकली हाइलक्स के ऊपर ही बेस्ड है, जैसा कि फॉर्चुनर अब हाइलक्स के ऊपर बेस्ड होती है। इसको काफ़ी हद तक फॉर्चुनर रिप्लेस कर दिया था बहुत सारी कंट्रीज़ में, लेकिन ये गाड़ी बेसिकली वही चीज़ है जैसा कि फॉर्चुनर आती है, लेकिन वो लुक्स के लिहाज से थोड़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है। खैर, ये सारी चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूँगा। ये गाड़ी 2.7 पेट्रोल है, SSR-X है, 2000 मॉडल है, 2018 की रजिस्टर्ड है और ये गाड़ी टोटल जेन्युइन है, वाइट कलर में है और इसकी डिमांड 45 लाख रुपये है। ये गाड़ी साइकिल मोटर स्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटर स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर स्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी आज भी खास पुरानी नहीं लगती। बहुत सारे लोग इस गाड़ी के बहुत ज्यादा फैन हैं और कुछ टाइम पहले विस्लिन डीजल ने भी इसी शेप में जो हाइलक्स था उसको उसकी लिमिट से पुश किया है और वो गाड़ी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल साबित हुई है। दिस कार इज नो डिफरेंट, ये बेसिकली हाइलक्स ही है लेकिन जस्ट SUV शेप में। इसकी बैक पे इसके केबिन को थोड़ा सा कंटिन्यू कर दिया गया और इस गाड़ी की SUV बना दिया गया, लेकिन मोरल ये गाड़ी हाइलक्स के ऊपर ही बेस्ड है। इसकी डिटेल में आगे कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से गाड़ी अपने टाइम में बहुत ज़्यादा डिसेंट थी और आज भी काफ़ी डिसेंट लगती है। हेडलाइट इसमें नॉर्मल सी दी गई थी, हैलोजन लैंप वाली साइड पे, यहाँ पे इसके इंडिकेटर वगैरह दिए गए हैं और इसमें फॉग लैंप भी यहाँ पे अलग से दिए गए हैं। ये बेसिकली प्रोफेशनल लैंप जैसे फॉग लैंप हैं और नई सर्फ में भी है ऐसे ही आते हैं। बाकी यहाँ पे इसके इंडिकेटर दिए हुए हैं और ये गाड़ी सिंगल ही टोन में है। इसमें 2-टोन वर्जन भी आते थे इस टाइम पे और उसके अलावा ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, इवन अमेरिका में भी। अमेरिका में जो एजेंसीज वगैरह थी उनके पास ये गाड़ी होती थी, जापान में तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा थी सही, पाकिस्तान में भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी अपने टाइम में और पुलिस के पास भी ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा नजर आएगी। और उसकी वजह यह है कि ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हैं। ये स्पेसिफिक कार काफ़ी वेल केप्ट है, 24 साल पुरानी गाड़ी है ये, बट स्टिल अभी तक टोटल जेन्युइन है और उसके अलावा पेंट भी इसका ये वाला ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। ये गाड़ियाँ आपको मोस्टली ब्लू, रेड, ब्लैक, फलाने फलाने कलर में नजर आएंगी, लेकिन वाइट गाड़ियाँ काफ़ी रेयर होती हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपको एक सर्फ चाहिए तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। इसमें कंपनी से ये ओवर फ्रंट आए हुए हैं जो कि इसकी लुक को बहुत ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। इस एरा में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इन थी, लेकिन अब मोस्टली नई गाड़ियों में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी और यही वजह है कि इन गाड़ियों की लुक काफ़ी डिस्टिंक्टिव सी आती है, मस्कुलर सी आती है। अब नई प्रोडक्ट्स देखें, नई V8 देखें, उनके इस तरह के फेंडर फ्लेयर्स या ओवर फेंडर्स वगैरह नहीं आते, जबकि इस गाड़ी में टायर इंटेंशनली बॉडी से बाहर रखे गए हैं और उसको कवर करने के लिए इसके ऊपर ही ओवर फेंडर्स दिए गए हैं। फिर इसके अलावा इनके डोर्स में ये मोल्डिंग्स आती थी, साइड स्टेप इसके काफी मस्कुलर थे और इनके जो फैंस हैं उनको नई गाड़ियां कहीं से भी पसंद नहीं आती। फिर इसके अलावा इसमें 2-टोन वाला फीचर भी आ रहा था जो कि मैंने पहले मेंशन किया है। ये गाड़ी सिंगल टोन में है और बहुत ज़्यादा डिसेंट लग रही है। कुछ गाड़ियाँ 2-टोन में आती हैं जिनमें ये वाले एरियाज गोल्डन होते हैं या ग्रे होते हैं या किसी भी और कलर में होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये कलर बेस्ट है। फिर इसके अलावा इसमें यहाँ पे एक मिरर दिया गया है जो कि पुराने वक्तों का ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है। इवन आज भी अगर आपकी प्राडो देखें जो कि 360 कैमरा के साथ नहीं है, तो उसमें ये वाला मिरर दिया हुआ होगा जो कि आपको इस गाड़ी का यहाँ का और फ्रंट का व्यू देता है। ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है। और इसके अलावा इस एरिया में एंटीनास बहुत ज़्यादा इन थे, इसमें भी एंटीना दिया हुआ है जिसको आप मैनुअली रेज या लोअर कर सकते हैं। सिग्नल्स में जो एंटीना आता था वो ऑटोमेटिक था, उसको आप गाड़ी के अंदर से ही बैठ के बटन से रेज या लोअर कर सकते थे। और इसके अलावा इस टाइम की मर्सिडीज देख लें आप, एस क्लास वगैरह, ये गाड़ी देख लें, ई क्लास देख लें, बहुत सारी और गाड़ियाँ देख लें, सिग्नल्स वगैरह में भी एंटीना आपको कौन मिलेंगे। फिर इसके अलावा इस एरा में एस्ट्रेस बहुत ज़्यादा इन थी जो कि मैं भी कवर करूँगा इंटीरियर में जाके। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी इस एरा की प्राडो जितनी ही है। सर्फ और प्राडो साथ साथ ही होती हैं, लेकिन ये गाड़ी हाइलक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, ये लैंड क्रूजर नहीं है, प्राडो प्रॉपर लैंड क्रूजर होती है। राइड के लिहाज से वो गाड़ी से ज़्यादा स्मूथ होगी, बट स्टिल ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब नए टाइम्स में फॉर्चुनर को रिप्लेस करती जा रही है, अब फॉर्चुनर हाइलक्स के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होती है। बट स्पेसिफिक कार के केस में इसके सस्पेंशन को इम्प्रूव किया हुआ है, आफ्टर मार्केट लेके इसके अंदर कुछ शॉक्स वगैरह लगाए हुए हैं जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाते हैं। फिर इसके अलावा इसमें बैक विंडोज जो होती हैं प्राइवेसी वाली आती हैं क्योंकि ये गाड़ी इंपोर्टेड है। करेक्ट लाइन इस गाड़ी में अपने टाइम के लिहाज से काफी बेहतर दी गई थी जो कि इवन आज भी इस गाड़ी की लुक को बहुत बेहतर बना रही हैं। डोर में इसके काफी स्ट्रॉन्ग करेक्ट लाइन दी गई हैं, डोर हैंडल्स भी इसके बॉडी कलर में है,
क्योंकि ये SSR X है, इसमें SSR G वर्जन आता था वो इससे छोटा होता था, X टॉप ऑफ लाइन वर्जन है। इसमें फिर ये ऊपर सन वाइजर्स दिए गए हैं जो कि इसके लुक को बेहतर बना रहे हैं। और इस गाड़ी में आप नोटिस करेंगे कि इसका जो रूफ रैक है ये आधी छत से पीछे लगा हुआ है। इसकी वजह यह है कि इसमें जो रूफ रेल्स होती हैं वो भी आधी छत से पीछे आती हैं, क्योंकि इसमें सनरूफ वाला वर्जन भी आता है, उसमें सनरूफ दी गई होती है जो कि इस गाड़ी में नहीं है। सनरूफ सर्फ में एक एड ऑन फीचर है, इवन प्राडोस में भी है, जरूरी नहीं है कि TXL में या T3 में सनरूफ आए, उनमें भी ये चीज एड ऑन फीचर है। इवन आज भी आप सनरूफ ऐड करवा सकते हैं, या कुछ गाड़ी में सनरूफ नहीं भी आती। इसमें सनरूफ नहीं है और जिन गाड़ी में सनरूफ आती है उनके लिए जगह छोड़ी गई होती है, तो उसका रूफ रैक हाफ छत से पीछे लगा हुआ होता है। फिर इसके अलावा क्वार्टर ग्लासेस का अच्छा खासा मैसिव है, ये फिक्स ही है, ओपन नहीं होता, सिग्नल्स वगैरह में ये ओपन भी होता था। और अगर बात कीजिए इसके इस एंड की, तो यहाँ भी काफी स्ट्रॉन्ग ओवर फेंडर्स दिए गए हैं जो कि बॉडी से बहुत बाहर आ रहे हैं, और इन्हीं के साथ इसके मड फ्लैपर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा बैक पे इसका फ्यूल टैंक दिया गया है, ये सिंगल टैंक वाली ही कार है, इसमें एक ऑक्सिलरी टैंक वाली कार भी आती है। मैंने उनके रिव्यूज भी किए हुए हैं, एक लैंड क्रूजर ग्रैंड का रिव्यू मैंने किया था जो कि ऑक्सिलरी टैंक वाली थी, उसमें अंदर एक सब टैंक का बटन दिया गया होता है और उसमें दो टैंक आते हैं। वो गाड़ी एक रिफ्यूलिंग में तकरीबन 1200-1500 किलोमीटर चल सकती है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रेंज है। इसमें भी डबल टैंक वाले वर्जन आते हैं, ये स्पेसिफिक कार सिंगल टैंक वाली ही है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रियर लुक की, तो ये भी पूरी कार की तरह काफी सटल और सिंपल सा है। टेल लाइट्स में ये फेसलिफ्ट के बाद चेंज कर दी गई थी, इसकी लुक को एक बार रिफाइन भी किया गया था इसके साइकिल में, और टेल लाइट्स, हेडलाइट्स और लुक्स इस गाड़ी की बेहतर कर दी गई थी। आप अगर 1995 वाली सर्फ देखें तो वो काफ़ी ज़रा ऑब्सोलीट लगती है। इसके अलावा इस गाड़ी में जो टेल गेट है ये सारा ही ऊपर की तरफ जाता है लाइक दिस, पार्टों में ये साइड हिंज आता है जो कि आप साइड की तरफ ओपन करेंगे। लेकिन इसके टेल गेट में एक और चीज़ मज़ेदार आती है, वो ये है कि आप इसकी रेड विंडशील्ड को इलेक्ट्रॉनिकली रेज या लोअर भी कर सकते हैं। ये अगर मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है लाइक दिस। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये भी अच्छी खासी स्पेशियस है। ये गाड़ी 5 सीटर है और इसमें आप आराम से अच्छा खासा सामान रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बनाना है तो आप इसकी सेकंड डोर सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा साइड पे यहाँ पर इसकी टूल किट दी गई है, ट्रंक इसका हाइड्रोलिक से ओपन होता है, और यहाँ पे एक पुल टैब दिया गया है जो कि इसकी ट्रंक ओपन करने के लिए काफ़ी काम आता है, आप इसे खींच के इसको मैनुअली बंद कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बैक पे ये रेड विंडशील्ड वाइपर दिया गया है, ऊपर वॉशर भी आता है, स्पॉइलर भी इसका लुक्स के लिहाज से यूनिक सा है, और इसमें फिर ये बैक पे नॉर्मल बैचिंग दी गई है SSR X की। इस स्पेसिफिक कार में बैक पे ये आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है जो कि इसकी साउंड को बेहतर बनाता है। बाकी स्पेयर टायर गाड़ी यहाँ पे नीचे ऑफर करती है, इस गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा बॉडी किट्स वगैरह नहीं लगी हुई, ये गाड़ी इतनी जेन्युइन हालत में है, तो इसका स्पेयर टायर आपको नीचे नजर आ रहा है। आप इसमें लेके कोई बॉडी किट्स वगैरह लगा रहे हैं तो ये भी काफी हद तक हाइड हो जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से भी स्पेसिफिक कार बहुत ज्यादा वेल केप्ट है। यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल अपनी जेन्युइन कंडीशन में है, और जो चीज़ें ऑब्सोलीट थी वो चीज़ें रिप्लेस कर दी गई हैं, जैसा कि इसका डैक और इसके अलावा इसका मीटर, ये सब मैं चीज़ें डिस्कस करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका पूरा ही प्लास्टिक की फिनिश में है, इसके ऊपर लद्दे की फ्रिल ड्राइव भी है लेकिन कमी से नहीं आती। और इसके अलावा ये गाड़ी एयरबैग टोटल 2 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में और एक डैशबोर्ड में। इसका हॉर्न ऐसे साउंड करता है। बाकी इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, और इसके अलावा इसकी हेडलाइट्स के अंदर कोई ऑटो वाला फीचर नहीं आता। इस एरा में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इन थी ही नहीं। फॉग के कंट्रोल इसमें हेडलाइट के स्टॉक के ऊपर ही दिए गए हैं, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड आती हैं। बाकी वाइपर कंट्रोल भी यहाँ पे दिए गए हैं, वाइपर इसमें फ्रंट और बैक दोनों पे आते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की मीटर की, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस स्पेसिफिक कार में मेरे खास उसमें कुछ ऑल्टरेशन हुई भी हैं। इसमें जो मेन डायल्स दिए गए हैं इनके आप लाइट को चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पे एक लाइट पर पुश बटन दिया गया है और इस पर RGB कलर्स बने हुए हैं। अब इसको पुश करते हैं तो इसकी लाइट चेंज होती हैं इस तरह से। अब इसको RGB कलर्स के बीच में अपनी मर्जी के लिहाज से स्विच कर सकते हैं, ये मेरे खास एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी स्पीड लिमिट इस गाड़ी की 180 किलोमीटर पर आवर तक है, क्योंकि एक जापानीज इंपोर्ट कार है, और इसके अलावा 4x4 का स्टेटस ये गाड़ी आपको यहाँ पे शो करवाती है। इसके अलावा इसकी गियर इंडिकेशन यहाँ पे दी गई है, और इसके गियर्स काफी इंटरेस्टिंग हैं, किस तरह से मैं बताऊंगा आपको अभी। बाकी अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारे ही वुड की फिनिश में है जो कि इसके लुक को बहुत बेहतर बना रही है, और इसका ऊपर वाला एरिया भी सारा सॉफ्ट स्पैनिंग की फिनिश में है। ये बेसिकली सिंगल ही लेवल है जो कि मल्टीमीडिया वाले एरिया तक कंटिन्यू करता है, और इसकी लुक को डिस्टिंक्टिव बना रहा है, और इसके डैशबोर्ड भी साइज के लिहाज से बहुत छोटा सा है। ये अब नई कार से काफी ज्यादा बड़े आ रहे हैं, बट इसमें छोटा सा दिया गया है, और मेरे ख्याल से ये भी ठीक है। इसके अलावा एयरबैग से गाइड टोटल 4 ऑफर करती है डैशबोर्ड में, और ये गाड़ी क्योंकि SSR X है यानी कि बड़ा वर्जन, तो इसमें इसके आसपास वुड के फ्रिल्स बहुत ज्यादा दी गई हैं। ये ट्रिम्स काफी प्रीमियम है और इसकी फील को काफी अच्छा बना रही है। इसके सेंटर में क्लॉक दी गई है जो कि इस एरा की मोस्टली कार्स के अंदर आपको देखने को मिलती थी। हेडलाइट का बटन काफ़ी एक फोकल पॉइंट पे दिया गया है, उसी इंच उसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इसका देखने में तो कोई टेप रिकॉर्डर लगता है, मोस्टली कार्स में इस एरा की इस तरह के टेप रिकॉर्डर आते थे जिसमें दो डायल होते थे, एक वॉल्यूम का एक ट्यून का, बट इस कार के केस में
एक डायल फैन का है, एक टेम्परेचर का है और एक क्लाइमेट कंट्रोल ही है। क्लाइमेट कंट्रोल आप ऑटोमेटिकली यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऑटो का फीचर आता था उस एरा में भी, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी आपको आउट से टेम्परेचर भी शो करवाती है। इवन ये गाड़ी अगर ऑन नहीं भी है और आउट से टेम्परेचर पर क्लिक करते हैं तो फिर ये गाड़ी आपको आउट से टेम्परेचर शो करवाएगी। फिर उससे नीचे इसकी ये मल्टीमीडिया स्क्रीन लगी हुई है जो कि आफ्टर मार्केट है। ये बेसिकली एक एंड्रॉयड पैनल है जो कि आप कहीं से भी लेकर लगवा सकते हैं। ये इस गाड़ी में अपना नहीं आया हुआ तो इस पर डिस्कशन करने का खास फ़ायदा है नहीं। इसमें ब्लूटूथ ऑक्स नेविगेशन, यूएसबी, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। उससे नीचे फिर एक ड्रॉ दी गई है जिसको मैं ओपन करके यहाँ पर कुछ सामान रख सकता हूँ। फिर उससे नीचे यहाँ पर इसकी एस्ट्रे दी गई है और सिग लेटर दिया गया है एंड दैट्स इट। उससे नीचे फिर इसका एक गैस लेटर दिया गया है और ये भी इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कि ये आम गैस लेटर नहीं है, इसके ऊपर एक प्रॉपर पुश बटन दिया गया है। अब इसको पुश करके इसे गैस को शिफ्ट करेंगे और ये है भी काफ़ी स्लीक सा और इसकी क्लिकिंग साउंड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। तो ये आपको एक काफ़ी सेटिस्फाइंग फील देगी। और इसमें गियर सिलेक्शन है वो है PRND2 और लोड। बाकी उसके बाद इसके 4x4 की सिलेक्शन दी गई है, इसको आप 4x4 और 4x2 के बीच में स्विच कर सकते हैं। और इसमें लो रेंज और हाई रेंज के ऑप्शंस भी दिए गए हैं। उससे पीछे इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है, 7-2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि साइज़ के लिहाज से काफ़ी छोटा सा है। ये गाड़ी एक प्रॉपर SUV है लेकिन क्योंकि ये चौड़ाई में कोई बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है तो इसका सेंटर कंसोल भी कोई खास चौड़ा है नहीं। इसका हुड लेदर की फिनिश में है, सीट्स इसकी फैब्रिक की फिनिश में है और इसके अलावा इनको रीडू भी किया हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए डोर्स की तो ये इसके बेज कलर में है और इन पर लेदर भी है, आफ्टर मार्केट हुआ हुआ है। ये डोर्स रीडू हुए हुए हैं और फिलहाल काफ़ी प्रिस्टीन कंडीशन में है। अगर बात की जाए विंडोज़ के कंट्रोल की तो ये भी इसके एज गुड एज न्यू है। विंडोज गाड़ी में सारे ही पावर्ड हैं और ड्राइवर के विंडो में सिंगल टैप वाला फीचर भी आता है। फिर इसके अलावा इसके साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल हैं, इनको मैं गाड़ी के अंदर बैठ कर ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकता हूँ इस तरह से। ये अगेन मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है, इस एरा की बहुत कम कार्स में चीज़ देखने को मिलती थी आपको। बाकी यहाँ पे एक और बटन दिया गया है जो कि मोस्टली कार्स में नहीं होता और वो है रेयर विंडशील्ड को अप के डाउन करने का बटन। ये भी एक काफ़ी यूनिक फीचर है। और इसके अलावा की इसकी यहाँ पे साइड पे जाती है। इसमें स्पीकर्स भी टोटल 6 दिए गए हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। ट्वीटर्स भी हर सर्फ में नहीं आते, ये गाड़ी एक बड़ा वर्जन है तो इसमें दिए गए हैं। बाकी से फिर यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं जहाँ पर आप ऑफ रोडिंग करते हुए पकड़ के बैठ सकते हैं। और वेंटिलेटर गाड़ी सिर्फ पैसेंजर के लिए ऑफर करती है, ड्राइवर के लिए इसमें नहीं दिया गया। पैसेंजर वाले में कोई लाइट नहीं आती, अगर होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसके अलावा सेंटर में सनग्लास होल्डर दिया गया है, कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि येलो ही हैं और इसमें सनरूफ नहीं है, ये हार्ड टॉप वर्जन है। कुछ गाड़ियाँ सनरूफ भी ऑफर करती हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये यहाँ पे अच्छी खासी स्पेशियस है, यहाँ पे 3 लोग कम्फर्टेबली बैठ सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे लेगरूम का भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी, और ये गाड़ी क्योंकि चौड़ाई में भी ठीक है तो 3 लोग एडजस्ट हो जाएंगे। 4 आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे अमेनिटीज़ तो ठीक दी गई हैं, इस तरह से कि इसमें कप होल्डर्स आते हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं, रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं और इसके अलावा इसके रेयर विंडोज़ भी ऑटोमेटिक हैं। इनको एक बटन से रोल डाउन ये रोल अप कर सकता हूँ और ये है भी प्राइवेसी वाली, ये टेंट हुई भी नहीं है, ये ऐसे ही आई हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ वियर्ड है और ये चीज़ आपको नई फॉर्च्यूनर में भी देखने को मिलेगी। ये गाड़ी हाइलक्स के ऊपर बेस्ड है, फॉर्च्यूनर भी हाइलक्स के ऊपर बेस्ड है। फॉर्च्यूनर में भी यहाँ पे कोई ग्रैब हैंडल नहीं आता चढ़ने के लिए, इस गाड़ी में भी नहीं दिया गया। ये दोनों गाड़ियाँ अच्छी खासी ऊंची हैं और आप कोई भी ऐसी भी देख लें, प्राडो देख लें, इवन रिवो देख लें, उनमें यहाँ पे ग्रैब हैंडल आता है चढ़ के अंदर बैठने के लिए। इस गाड़ी में आगे दिया गया है, बैक पे नहीं दिया गया। आज तक फॉर्च्यूनर में भी ये सिर्फ आगे ही आ रहा है, बैक पे नहीं आ रहा और इसमें चढ़ के बैठना थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कार। तो आई एम नॉट श्योर टोयोटा क्यों नहीं लगा रहा ग्रैब हैंडल्स इस एरा से आज तक, बट अगर होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। बाकी इसके अलावा इसमें 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इस गाड़ी में 3 मेन ऑफर होते हैं, 2.7 लीटर पेट्रोल, 3.4 लीटर पेट्रोल, 3.0 लीटर डीजल। ये वाली कार सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इसमें इंजन 3RZFE है जो कि 2.7 लीटर पेट्रोल है। ये गाड़ी 150 हॉर्स पावर यूज़ करती है विद 240 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो कि सफिशेंट है बॉडी साइज के लहाज से। इवन आज की प्राडो भी 2018-19 की भी देख लें जो 2.7 होती है, वो गाड़ी भी 171 के आसपास हॉर्स पावर यूज़ करती है जो कि कोई बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। ये गाड़ी 24 साल पुरानी है बट हॉर्स पावर के लिहाज से उनके आसपास ही है, जबकि साइज़ के लिहाज से नई वाली प्राडो इससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। सिर्फ 2.7 है और वो सफिशेंट है डे टू डे यूज़ के लिहाज से। तो ये इंजन भी आपको कोई खास तंग नहीं करेगा और ये क्योंकि टोयोटा का इंजन है तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है, पावर के लिहाज से भी ये ज़बरदस्त है। रिसेंटली इस गाड़ी को विस्लिंग डीजल ने इसकी लिमिट तक पुश किया है और इस पर बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस बनाई हैं, पीछे ब्लॉक्स लोड करके, इसको बिल्डिंग से गिरा के, पता नहीं क्या कुछ करके, और उन सारे टेस्ट में ये गाड़ी पास हुई है। ये है सर्फ बट इसका प्लेटफॉर्म वही है। बाकी अगर बात की जाए फीचर्स की तो इसमें ABS भी आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, इसके अलावा इसमें पावर स्टीयरिंग भी आता है और ये गाड़ी है भी 4x4। बाकी अगर बात की जाए एवरेज की तो ये आपको तकरीबन
6-7 किलोमीटर पर लीटर तक की देगी, जो कि नई प्रोडक्ट्स भी यही देती हैं, और मेरे ख्याल से ये गाड़ी हर लिहाज से एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो फर्क करती है सिर्फ ये है 265, 75 और 16। इसमें 16 इंच का रिम दिया गया है, जो कि इवन आजकल गाड़ियों के अंदर आ रहा है। ग्रैंडे में रिम 16 इंच का आता है, बट ये गाड़ी भी 16 इंच को ऑफर करती थी उस एरा में। इवन आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम में रिम 17 इंच का आता है। टायर इस गाड़ी में मैक्सेस का ऑल टेरेन है, जो कि कंडीशन के लिहाज से ठीक है। ये आपको 20-30 किलोमीटर और एक अच्छा राइड प्रोवाइड कर सकता है। फ्रंट पे इसमें डिस्क ब्रेक आती है, बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती है, जबकि प्राडोस ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, क्योंकि गाड़ी लेट क्रूजर के ऊपर बेस्ड होती है। ये गाड़ी हाइलक्स के ऊपर बेस्ड है, और अगर आप हाइलक्स देख लें उठा के इस एरा का, इवन आज का प्रीव्यू भी देख लें, तो उसमें भी फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती है, बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं। सेम गोज फॉर दिस कार। और बाकी ये गाड़ी पार्शल 4x4 है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपके रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।